हैप्पी जन्माष्टमी। ये है राइसर प्लाजा। दोस्तों आ जाओ चाय पी लो। हमारी चाय पी जा रही है गिलास में डालकर मेरे थोड़ा सा गड़ा बैठ गया। पता नहीं खड़ा कैसे होगा। आ देगा और बदन्या, केक ज्यादा खा लिया जिससे बड़ा खराब हो। बिल्कुल मैं गिलास गिलास भर चाय पी जा। एक और राज छे अच्छोरो खुद की चाय भी जिन्हें मारा गिलास में डाल दियो। अच्छे हैं जब चाय का था चुने ना वो टाइम पर गिलास में यहाँ कर चाय डाल दियो। हाँ भाई छोरे तेरी साजिश समझ में आ गई मेरे को। तो मेरे को चाय पिला के काड़ा करना चाहता है ना। अरे दोस्तों इस छोरे की साजिश बता दो मैं आपको। ये मेरे को ना ज्यादा चाय पिला के ना काड़ा करना चाहता है। हाँ भाई छोरे मतलब मैं ही गोरा भरा दिखूँ। हम दोनों की चाय का गिलास भर भर के चाय पिलाता है। हाँ देख लो ये इतना भर की चाय पिलाई इसने। और खुद का कितना सदा चाय खुद के पास है। हमारे पास देख लो ये कप है कितना भर दिया इसने। और हम इस सोरे को कह रहे हैं कि बोले बेटा चाय पी ले। बोले नहीं कौन पी मैं भी काला हो जाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताना हमें कि मतलब चाय पीने से ना आदमी काले होते हैं क्या। गोरे बन कर चाय छोड़ो। हाँ गोरे बन कर आज जगह चाय छोड़ना तो हम छोड़ देंगे हमारी चाय। नहीं भाई मत कौन छोड़ रहे हमारी चाय। कौन छोटे तो आप भी डालो सारी चाय है ना। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों चलते हैं जिम में देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रही है। चाय वाय हो गई हमारी मस्ती वस्ती हो गई। एक्सरसाइज स्टार्ट बच्चों की। ये हमारा आरसी जीव है ना हमेशा साइकिल ही चलाता रहता है। ओ देखो छोरी कतरा जोर से भाग रही है। पट्टी लगा के नर्ची पट्टी लगा के कांच में देखा जा रही है भाग जा रही है। राम राम काई करी छे दोस्तों क्या पालती मार मगे शेटाणी जी बैठा छे एंड तो आवारा के टुड़ा जोकर। दोस्तों माँ का जोकर देखो जोकर टेलीविजन देख रहे हैं। ए जोकर जोकर गुस्सा हो रही है क्या है क्यों क्या अच्छा नीला नहीं लगी इसलिए गुस्सा हो गया। किट्टू तो गुस्सा है क्या नहीं है गुस्सा दोस्तों। तो गाइस को राम राम तो करो। नकट का बारह की औलाद से दोस्तों ये राम राम थोड़ी नहीं करेगी मेरे को। राम राम मैडम क्या हाल चाल है तुम्हारे। बड़ी सोनी कुड़ी लग रही है आज तो है बड़ी फूटरी लग रही थी भाई गणी फूटरी लग रही थी तो आज तो देखो लेडी देख जाओ। अब दोस्तों देखो ना अपनी वाइफ की तारीफ भी करना ना इनको तो बुरा लगता है भाई। क्यों तारीफ क्यों कर रहे हो मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए इनकी है। तारीफ नहीं करूँ बुराई करूँ अतरी बुरी लग रही थी नकट गवा रही बिल्कुल बहुत बुरी लग रही ठीक खुश इतनी खुशी बुराई सुन के है। करिए देखो ये छोरी को मोबाइल देखना कितना शौक है। कहाँ बैठ के मोबाइल देख रही है। तो ना ली क्या किसने नहीं लाया तेरे को। मम्मी ने नहीं लाया या पापा ने नहीं लाया। तो दोस्तों नहा धो के बिल्कुल रेडी फर्स्ट क्लास टिप टॉप मस्त वाले हो गया। आज मैं लेके चलता हूँ आपको राइसर प्लाजा हमारे यहाँ का मोबाइल हब दिखाता हूँ। जो जयपुर से है उनको सब जानते हैं और जो बाहर से हैं उनको दिखाता हूँ मोबाइल हब लैपटॉप हब। वहाँ पे लैपटॉप ले लो कंप्यूटर ले लो कुछ भी यानी बहुत बड़ा मॉल है उसके अंदर मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज सब कुछ मिलता है। तो चलते हैं राइसर प्लाजा। दोस्तों मेरे को लग रही है भूख तो मैं खा रहा हूँ खाना। बनाया आज मेरे फेवरेट नमकीन चावल। मजे आ गए नमकीन चावल खा के। इसको ठंडा करने के लिए फैला रखा मार मम्मी रोटी बेटर रोटी खा मारे सामा सामे क्यों बदबू आ रही है। दोस्तों इसको खाना नहीं खाना तो खाने में इसको बदबू आ रही है। बदबू कैसी बदबू आ रही है अच्छी है बुरी देखो नाक बंद कर लिया खाने के मामले पे इतने नख रहे हैं इस लड़की के। हमारी किट्टू जाने के लिए मैं ड्रेस लेके आ गया। इसको आज खाना बनाएंगे और कल राधा।
कपड़े पहनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको कैसी लगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आज तो कि ये कैसी लगी, क्योंकि आप लोग कमेंट ही करके नहीं बताते कि तो अच्छी लग रही है कि तो राम राम कर लेता है अच्छी लगी बुरी लगी। मैं बहुत सी चीजों के लिए बोलता हूँ प्लीज दोस्तों बताना, लेकिन आप बताते ही नहीं हो यार। तो प्लीज आज बताना हमारे किट्टू रानी को मैं बना रहा हूँ कान्हा। तो दोस्तों दिल थाम के बैठो, आ रहे हैं हमारे छोटे से कान्हा। ये रहा हमारा कान्हा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना हमारा कृष्ण कन्हैया कैसा लग रहा है। अरे वाह मेरा बेटा, कैसी शर्म आ रही है देखो दोस्तों, कैसी उतरा रही है देखो दोस्तों, कुत्ते कांच में घूर घूर के ऊपर हो गया। क्या बनी है तू, कान्हा बनी है, है? ये इसकी दादी को दिखाने के लिए आई है, चलो दादी के पास। ये देखो दादी इसकी कितनी खुश होगी इसको देख के, ए देखो कैसी इतरा रही है अब, ये देखो सही इसके इतराना। मम बांसुरी चिंता करने, ले चाची पाजे, चाची तेरे ना टीका लगाएगी, जाओ जाओ जाओ। तो हमारी किट्टू जी बांसुरी लेके बिल्कुल तैयार है, इसका मुकुट भी है लेकिन अभी आ नहीं रहा इसके ऊपर देख। ये देखो जी, प्लीज कमेंट करके बताना कैसी लग रही है हमारी किट्टू रानी। ये इसको पिछले साल पहनाए थे तभी इसके बहुत बुरा हाल हुआ था, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, नजर इसे बहुत ज्यादा लगती है। देखो कृष्ण का नैया बन गई पूरी, हरे कृष्णा। और कल हम इसको बनाएंगे राधा, तो आज का पूरा वीडियो देखना और कल का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, कल हमारे राधा बनेगी छोटी सी। ये कल इसके बाल वाल छोटी छोटी बना के इसको प्यारी सी राधा भी बनाएंगे। आज इसको बनाया हमने कृष्ण कन्हैया। आप सब ने, मैंने कल पूछा था बहुत लोगों ने जवाब कहा कि कृष्ण बनाओ इसे। अब देखो इसकी अटखलियाँ सैतानियाँ, देख के इसके दादा का रिएक्शन देखो। ये दादी जी की बस भागी भागी आई है कपड़े दिखाने। कौन लाया था बेटा? ये कौन लाया था? पापा लाए थे। दोस्तों हम चल दिए राइसन प्लाजा, बताया था आपको तो आपको रस्ते का टूर जाते हैं आज बाइक पे, बड़ा मजा आने वाला है। तो बने रहो ब्लॉग में, मैं हूँ पीछे बैठा हूँ, गाड़ी चलाते टाइम मैं फोन ऐसे वीडियो नहीं बनाता। दोस्तों हम पहुंच गए फाइनली रायसर प्लाजा के पास में, ये उसके पास में कपड़ों का मार्केट है, इंदिरा मार्केट बोलते हैं इसको। कौन सा मार्केट? इंदिरा मार्केट। इस पे कपड़े आपको जिसके बार्गेनिंग स्किल अच्छी है ना, वो यहाँ पे 1000 रुपये की या 2000 रुपये की शर्ट को 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये में लेके जा सकता है, इतनी बार्गेनिंग होती है यहाँ पे। और ब्रांड नहीं मिलते, लोकली मिलते हैं कपड़े, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा महंगे मांगते हैं। और ये बिल्डिंग है जो है रायसर प्लाजा, हम उसके साइड में पार्किंग है, पार्किंग में एक बाइक खड़ी करेंगे, तो हम चलते हैं पार्किंग की ओर। ये है इसकी पार्किंग, ये इसका गेट है, मैं दिखा दूँ आपको। ये है दोस्तों इसकी पार्किंग, ऊपर ही है फर्स्ट फ्लोर है, लोहे की बनाई हुई है। और ये है रायसर प्लाजा, और इसका ये पार्किंग वाला है एंट्री गेट, पर रायसर की नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन रायसर प्लाजा की बिल्डिंग के अंदर ही है ये, तो तगड़ी कमाई होती है भाई। ये देखो ये कंप्यूटर रिपेयरिंग सब कुछ काम स्टार्ट होता है यहाँ पे, मोबाइल हब भी एक तरह का, ये मोबाइल रिपेयरिंग आपको देखो साइड से मैं दिखाता हूँ। मैं वो सामने वाला एंट्री गेट है इसका, हम इधर हैं, ये पूरा मार्केट इसी चीज़ का है। ये देखिए दोस्तों ये कंप्यूटर ही कंप्यूटर रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, इन सब्स की शॉप्स हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग, जिसको नया कंप्यूटर बनवाना हो असेंबल करवाना हो वो आ सकता है यहाँ पे। और ये पूरा हब है एक तरह से दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये है दुकान जिसके ऊपर मैं आया हूँ,
दोस्तों खुला लिया मैंने मेरा लैपटॉप, ये भाई साहब है हमारे, इनके पास ही लेके आता हूँ मैं अपना लैपटॉप। तो इन्होंने खोल के बता दिया जो समस्या थी, अब इसकी समस्या रिजॉल्व कराते हैं। ये देखो धूल मिट्टी कितनी जमी हुई है यार, भाई साहब भी सोच रहे होंगे पता नहीं किस धूल मिट्टी में कहाँ से उठा के लेके आया ये लैपटॉप। दोस्तों ये है राइसर का मेन एंट्रेंस, मैं पहले पीछे वाले से आया था आपको दिखाने के लिए, मैं फ्रंट रिव्यू में आया। ये है राइसर प्लाजा। दोस्तों आ गया मैं घर, आके पहुंच गया घर, पहुंचते ये देखो, ये देखो ये हमारी किटुड़ी भागे भागे मेरे पास आई, बोले पापा 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 करती हुई। किट्टू कहाँ है? तो किट्टू है क्या? तो काना है ना, काना बनी थी तू तो है? काना दादी साथ दूध लेने जा रही है, दूध लेने जा रही है। रितिका प्यारी सी गुड़िया, ये शैतान खोपड़ी, बिल्कुल शैतान खोपड़ो, शैतानों का शैतान किट्टू शैतान, और ये हमारी प्यारी सी डॉल। क्यों रो रही है तू? देखो दोस्तों इसने टीका लगाने के लिए रो रही थी, ये टीका लग गया, अब खुश हो गई है। क्या हो गया? टीका नहीं लगाया। टीका लगा लिया? पहले टीका नहीं लगाई। हेलो मैडम, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास टिप टॉप। डिंचिक 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 आर सीटू।